हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर हम आपके सामने एक नए मैप के साथ आए हैं। ये मैप जो है वो 45 फीट इसकी लेंथ है और 35 फीट इसकी चौड़ाई है। और इसकी जो फेसिंग है वो है साउथ ईस्ट। ये जो आप कंपास में देख रहे होंगे, साउथ ईस्ट इसकी फेसिंग है। अब इस तरीके की अगर फेसिंग हो तो आपको किस तरीके से मैप को डिज़ाइन करना है। अब देखिए, ये पूरा मैप है। अब इसका जो आप देख रहे हैं फ्रंट गेट, हमने जो है इसे राइट साइड पे दिया है। राइट साइड पे इसलिए दिया क्योंकि अगर हम इसको देते लेफ्ट साइड पे तो ये साउथ का जो एंट्री है वो हो जाती। और अब आप पूरा अगर कंपास से इसको कंपेयर करें तो इसका जो वेस्ट और साउथ वेस्ट वाला जो पोर्शन है, यानी ये वाला जो पोर्शन है, हमने इसको हैवी रखा हुआ है, जो कि वास्तु के हिसाब से हैवी होना चाहिए। और जो ये जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट वाला पोर्शन है, इस पूरे पोर्शन को हमने जो है वो लाइट रखा हुआ है, जो कि वास्तु के हिसाब से इसको जो है वो लाइट रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो है पॉजिटिव एनर्जीज आती हैं, उसको ब्लॉक नहीं करना चाहिए घर में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मैप के बारे में। ये सामने जो आप फ्रंट पे देख रहे हैं, ये हो गया इसका आगे सामने जो है फ्रंट चोट रखा है 10 फिट का। फिर ये पोर्च आ गया 8 फिट का। और ये पूरा नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जोन है जिसको हमने खाली छोड़ा हुआ है। फिर यहाँ से हमने जो है घर के अंदर से एंट्री करी, ईस्ट की एंट्री हमने दे दी है। और फिर हम जो है घर के अंदर घुसे तो एंट्रेंस के लिए जो फ्रंट पे जो स्पेस छोड़ा है वो छोड़ा हुआ है 6 फीट 4 इंच बाय 6 फीट 4 इंच का स्पेस हमने यहाँ पर जो है वो छोड़ रखा है। फिर दोस्तों, अब इसमें हम जो है वो अंदर एंट्री करते हैं। ये आ गया मेन गेट। मेन गेट के बाद लॉबी है। ये आ गया किचन। हमारी किचन साउथ ईस्ट कोने में है और फेसिंग इसकी ऑलमोस्ट जो है वो ईस्ट की तरफ होगी जब लेडीज़ यहाँ पर करेगी काम। और ये पूरी जो साउथ वाली वो है, यहाँ पर आ जाएगी स्टोरेज। और किचन का जो साइज़ है वो है 12 फिट बाय 9 फिट 8 इंचेस। फिर इसके बाद स्टेयर्स हैं साउथ वेस्ट में, जो कि वास्तु पुरुष का यहाँ पे जो है वो पैर पड़ता है, तो इसको जब हैवी रखना चाहिए। फिर इसके जस्ट साथ में आ गया टॉयलेट। और टॉयलेट के पीछे वेंटिलेशन के लिए एक डक्ट छोड़ रखी है। और ये जो डक्ट छोड़ी हुई है, आप देख रहे हैं, वेंटिलेशन के लिए छोड़ा हुआ है। और ये देख रहे हैं विंडो जो है वेंटिलेशन के लिए। फिर उसके बाद ये आ गया बेडरूम हमारा साउथ वेस्ट के ही पोर्शन में है लगभग, और कुछ पोर्शन इसका वेस्ट से टच कर रहा है। तो इसकी ये विंडो जो है यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए, जो है वो बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर विंडो छोड़ी हुई है। फिर इसके बाद ये आ गया लिविंग एरिया। ये बेसिकली यहाँ पे मेहमान वगैरह रहेंगे, बैठेंगे। तो ये नॉर्थ वेस्ट यानी वायु कोना आ रहा है, तो जो कि बहुत ही अच्छा रहता है। वायु कोने में ही हमें जो है वो मेहमानों के बैठने के लिए जो लिविंग स्पेस है वो छोड़ना चाहिए। और लिविंग स्पेस जो हमने छोड़ा हुआ है 13 फिट बाय 12 फिट का। और टॉयलेट के लिए भी, माफ़ कीजिए मैं भूल गया था, टॉयलेट के लिए हमने 7 फिट बाय 4 फिट 8 इंच स्पेस छोड़ा हुआ है। फिर उसके बाद बेडरूम के लिए 12 फिट 4 इंच बाय 11 फिट। फिर उसके बाद इसके साथ आता है डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया हमने जस्ट यहीं पर छोड़ा हुआ है 13 फिट 4 इंच बाय 8 फिट 8 इंच का। अच्छा दोस्तों, डाइनिंग एरिया का जो पोर्शन है, यहाँ पर हमने विंडो इसमें शो नहीं करी हुई। आप अगर देना चाहें तो विंडो यहाँ पे भी जो है वो दे सकते हैं, ये इस तरीके से। और फिर इसके बाद ये आ गया पूजा रूम। पूजा रूम बेसिकली ईशान कोण में आ रहा है नॉर्थ ईस्ट में, और पीछे इसकी जो है वो विंडो दे रखी है। तो इस तरीके से पूरी प्लानिंग करी हुई।